नमस्कार, ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज सदाबहार फिल्मों में मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपसे बात करूंगी 1979 में आई गोलमाल के बारे में। अमोल पालेकर और उत्पल दत्त की ये फिल्म एक बहुत ही मशहूर कॉमेडी है। ये फिल्म कुछ इस तरह खास है कि इसका एक भी सीन देखकर आप थक हाके लगाकर हंसने लग जाएंगे। ये फिल्म लगभग 40 दिन में बनाई गई है। इस फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने इसे 1 करोड़ के बजट में बनाया था और इस फिल्म ने दुनिया भर में 7.2 करोड़ की कमाई की थी। ये फिल्म किसी सेट या किसी बड़े से स्टूडियो में शूट नहीं की गई है, ये उत्पल दत्त के घर में, अमोल पालेकर के घर और गार्डन और ऋषिकेश मुखर्जी घर में शूट की गई है। इस फिल्म के कई दिलचस्प किस्से हैं जो आज भी अमोल पालेकर सबको बताते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा नौकरी की तलाश में है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई की है और वो अपनी बहन के साथ रहते हैं। उनके अंकल केदार उन्हें एक छोटी सी वैकेंसी के बारे में बताते हैं जो भवानी शंकर की कंपनी उर्मिला ट्रेडर्स में है। वो ये भी बताते हैं कि भवानी शंकर स्वभाव से बड़े खड़ूस हैं, वो बहुत ही रूढ़िवादी हैं और उन्हें आधुनिकता से बहुत नफरत है। उन्हें इतनी नफरत है कि कोई व्यक्ति अगर वो मूछ नहीं रखता तो उन्हें उससे भी बहुत बहुत तकलीफ होती है। वो मानते हैं कि जिस व्यक्ति की मूछ नहीं वो इंसान व्यक्ति ही नहीं। ये सब कुछ सुनकर राम शंकर अपने आप को अच्छी तरह उसी रंग रूप में ढाल लेते हैं। कुर्ता पजामा पहनकर मूछ रखकर इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं। उनकी सादगी से बातों से इम्प्रेस होकर भवानी शंकर उन्हें नौकरी पर रख भी लेते हैं। पर कहानी तो शुरू हुई है, इसके आगे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं पूरी तरह आश्वासन से कह सकती हूँ कि आप ये फिल्म बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।